अमरावती जिले में कड़क लॉकडाउन का आज पांचवा दिन है। जिले में काफी बिगड़ चुके हालातों को काबू करने में जिला अधीक्षक शैलेश नवाल ने 7 दिन का कड़क लॉकडाउन लगाया है। जिले भर सहित अचलपुर तहसील में लोगों ने इस कड़क लॉकडाउन को व्यापक प्रतिसाद दिए जाने की बात सामने आ रही है। तहसील में नगर पालिका क्षेत्र में तो बीते 5 रोज से सन्नाटा ही दिखाई पड़ रहा है। अचलपुर तहसील में राजस्व और पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर क्षेत्र में ब्रेक द चेन के लिए बिना थके अपनी मुहिम छेड़ रखी है। SDO संदीप अपार और तहसीलदार मदन जाधव हर स्थितियों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। SDO अपार के मार्गदर्शन में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर हेल्पलाइन का गठन किया गया है, जिसमें खासकर नगर पालिका और पंचायत समिति कर्मचारियों के कांधों पर जिम्मेदारी डाली गई है, जो बाधित मरीज के इलाज की व्यवस्था और देखरेख में मस्त रहेंगे। क्षेत्रवाइज अलग अलग क्षेत्र के लोगों पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वही तहसीलदार मदन जाधव ने 6 भरारी पदकों का निर्माण किया है। तहसील के किसी भी व्यक्ति को कोई आवश्यकता और नियम की सख्ती से पालना को लेकर यह पदक काम कर रहे हैं। वही अचलपुर के SDO पोपटराव अब्दागिरे के मार्गदर्शन में अचलपुर थानेदार सेवानंद वानखड़े और परतवाड़ा के थानेदार सरानंद मानकर के नेतृत्व में कड़क निर्बंधों की पालना के लिए सर्वस्तरीय प्रयास किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर क्षेत्रवासियों ने भी इस कड़क लॉकडाउन को व्यापक रूप से प्रतिसाद दिया है। जिले सहित अचलपुर तहसील में कल तक पाए गए कोरोना संक्रमित में कोई खास गिरावट महसूस नहीं की गई है, मगर आने वाले 2-3 रोज में संक्रमण का असर कम होने की और हालत सुधरने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। देश और दुनिया की अखी मानव जात ने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसे भी दिन आएंगे। दिन क्या तो महीने गुजरने के बाद 1.5 साल से ऊपर हो चला है, मगर हालात आज भी इस बात की इजाजत नहीं दे रहे कि थोड़ा सुकून महसूस किया जाए। आज तो जिंदगी पहले से ज्यादा चित्र विचित्र हालातों की दहलीज पर खड़ी है। लोगों के पास अगर कुछ है तो वो है बस उम्मीद, और उम्मीद पर फिर से अच्छे दिन आने की उम्मीद की जा रही है। यारो, विदर्भ न्यूज इस बेबसी और परेशानियों की हालत में सभी से हमेशा के मुताबिक फिर एक बार अपील करता है कि उम्मीद और हौसले की शमा जलाकर सब एक साथ मिलकर इस शातिर कोरोना को हराने, इसके अहम त्रिसूत्र नियमों का पालन करने की शपथ ले, ताकि हमें इस महामारी के प्रकोप से जल्द छुटकारा मिले। जय कुमार घिया के साथ पंकज साबू, विदर्भ न्यूज अचलपुर।